धनु राशि आज का राशि फल यानी कि 17 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आज के पंचांग के बारे में, क्योंकि पंचांग जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है डेली। तो आज तिथि है पंचमी, नक्षत्र है पुनर्वसु, पक्ष है कृष्ण पक्ष और आज दिन है रविवार। आज सूर्य उदय होगा 6:44 में और सूर्यास्त होगा 5:26 में, चंद्रोदय होगा 9:40 PM में और चंद्रास्त होगा 10:58 AM में। और आज दिन है 10 घंटे 42 मिनट 3 सेकेंड का और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का महीना। और आज आपके लिए शुभ समय है, जिस अवधि में आप कोई शुभ कार्य कर सकते हो वो समय है 11:44 से 12:27 के बीच में। और अशुभ समय यानी कि जिस अवधि के दौरान आप कोई शुभ कार्य ना करें वो समय है शाम के 4:01 से 4:44 तक। और आज राहु काल भी है 4:06 से 5:26 तक। तो इन अवधियों को आप ध्यान में रखें और कोई शुभ कार्य न करें। और आज दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। परंतु उससे पूर्व अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या फिर आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मुझसे हो जाएगी और अगर आप कॉल करते हो तो आपकी बात मुझसे नहीं होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, आज ये सामान्य ही रहने वाला है। इसलिए आज आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, आज आप उन वस्तुओं से दूर रहें जो आपके हेल्थ के लिए सही ना हो, जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं हो, उन वस्तुओं से आज आप दूरी बनाकर रखें, आपके लिए वही सही रहेगा। और तो और आज धन के लिहाज से भी आपका दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, आज आपको धन का नुकसान होगा। और आज आप किसी भी काम काज में निवेश तो बिल्कुल भी ना करें, अगर आप निवेश करते हैं तो ये फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा बल्कि आपको उसमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और हो सकता है तो आज आपका पर्स जिसमें रुपया हो वो चोरी हो जाए या खो जाए, इसलिए अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हो तो अपने पर्स का आप ध्यान रखें, अन्यथा फिर बाद में आप पछताओगे, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आज आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, आज परिवार में तनाव का माहौल रहेगा और समस्याएं बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आप उन्हें झेलने के लिए रेडी रहें और आप उस समस्या का समाधान निकालने का भी प्रयास करें, यही आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए सही रहेगा। दोस्तों, प्रेम के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, आज हो सकता है तो आपको आज आपके प्रेमी से या आपकी प्रेमिका से इनाम में धोखा मिले और आप उस धोखा को लेकर आज झेलते रहो। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आज का दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, आज आप अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे जो आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए आज आप इन सब फालतू की बातों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें, आपके लिए यही सही रहेगा। तो मित्रों, हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जय सिया राम।